हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स ऑफ उदयपुर से। और हम लोग आज इनकम टैक्स की क्लास के अंदर कैपिटल गेन कैलकुलेट करना सीखेंगे, किस तरह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एवं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाता है। पिछली जो क्लासेस हम लोगों ने पढ़ी उसमें हमने ये देखा, आपके सामने यहाँ पर एक स्लाइड ओपन है। हमने जो प्रीवियस क्लास के अंदर ये देखा कि कौन कौन सी एसेट्स को हम कैपिटल एसेट कहा जाएगा, कैपिटल असेट्स को होल्डिंग के आधार पर हम कौन सी एसेट को शॉर्ट टर्म मानेंगे, कौन सी एसेट को लॉन्ग टर्म मानेंगे। तो शेयर्स और म्यूचुअल फंड के केस में अगर आप मोर देन 12 मंथ होल्ड करके देन आफ्टर आप उसे ट्रांसफर करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म का मामला हो जाता है, और 1 साल से कम पीरियड के अंदर अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के मामले में आता है। उसके अलावा हमने अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में देखा कि 24 मंथ से ज्यादा रखकर अगर हम उसे ट्रांसफर करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में जाता है, और 24 मंथ से कम समय में अगर हम उसे ट्रांसफर करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म में आता है। और इन केस ऑफ एनी अदर एसेट लाइक ज्वेलरी और प्रीशियस ऑर्नामेंट्स, इन दैट केस देर देर इज 36 मंथ्स लिमिट। तो 36 महीने से ज्यादा समय के बाद आप उसे ट्रांसफर करते हैं तब जाकर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा, और उससे कम में अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है, और उससे होने वाला गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीसीजी कहलाता है। अब हम लोगों को ये भी देखना है कि हमने ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते वक्त आपको एक तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन के बेनिफिट नहीं मिलने की वजह से आप जो बढ़ती हुई महंगाई दर है उसको कैलकुलेशंस में शामिल नहीं करेंगे, जिससे आपको अल्टीमेटली एक प्रकार से लॉस ही होने वाला है। क्योंकि अगर सपोज करिए, देखिए ज्वेलरी के केस में बात करते हैं, ज्वेलरी के केस में 36 मंथ का टाइम पीरियड होता है कि आप 36 मंथ के बाद बेचते हैं तब जाके वो लॉन्ग टर्म में आता है मामला। तो आप सोचिए कि आपने अगर कोई 2.5 साल पहले कोई ज्वेलरी खरीदी 1 लाख रुपए में, और अब जाकर आप उसको सेल कर रहे हैं, तो 2.5 साल पहले के 1 लाख रुपए आज के 1 लाख रुपए के बराबर नहीं थे, उनकी वैल्यू ज्यादा थी, और आज का 1 लाख रुपया की वैल्यू उसके मुकाबले कम है। तो ऐसे केस में आपको वहां पर अगर आपने महंगाई दर को ध्यान में नहीं रखा तो फिर आपको वहां पर लॉस होगा, कैपिटल लॉस कहलाएगा वो, जो क्योंकि आपको उसके ऊपर टैक्सेशन की लाइबिलिटी ज्यादा आएगी क्योंकि आपका कैपिटल गेन ज्यादा आएगा। सो यू हैव टू पे मोर टैक्स लाइबिलिटीज, मोर कैपिटल गेन टैक्स। दैट्स वाई देर इज नो इंडेक्सेशन बेनिफिट इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही इंडेक्सेशन यानी महंगाई दर, जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, उसका हमें फायदा मिलता है, शॉर्ट टर्म में फायदा नहीं मिलता है। एक मैंने ये रीजन आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था। दूसरा जो बड़ा रीजन है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में जो डिफरेंस है वो ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर होता है तो हम बहुत सारे ऐसे एग्जेम्पशंस हैं जो क्लेम करके हमारा कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं। सेक्शन 54 के एग्जेम्पशंस जो हम आगे आने वाली क्लासेस में भी पढ़ेंगे, तो उसके अंतर्गत अगर हम उस कैपिटल गेन को रीइन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में हमें काफी सारे फायदे वहां पर मिलता है। इट मे बी पॉसिबल कि पूरा का पूरा कैपिटल गेन आपका क्या हो जाए, एग्जेम्प्ट हो जाए। सो दैट इन केस ऑफ LTCG देर आर सो मेनी टाइप ऑफ एग्जेम्पशंस। सबसेक्शन 10 के एग्जेम्पशंस मिलते हैं आपको और 54 के एग्जेम्पशंस मिलते हैं जिससे आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाता है और आपको टैक्स लाइबिलिटी नहीं पे करनी पड़ती। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में आप अपना टैक्स नहीं बचा सकते। अगर आपने कोई भी कैपिटल असेट को शॉर्ट टर्म में बेचा और आपको कोई उसके ऊपर गेन हुआ तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना ही है, आपको कोई किसी भी प्रकार का एग्जेम्पशंस नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने कोई एक फ्लैट खरीदा था और उस फ्लैट का मैंने मेरा जो रजिस्ट्री वैल्यू था वो 6 लाख रुपए के आसपास था, और बाद में वो फ्लैट मैंने तकरीबन उस वक्त कैपिटल गेन में इमोबल प्रॉपर्टी का जो कीमत था 2000, मैं आपको मामला बता रहा हूँ 13-14 का, तो उस वक्त कैपिटल गेन के अंदर इमोबल प्रॉपर्टी के केस में 36 मंथ का क्राइटेरिया था लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कंसिडर करने का। तो मैंने उसको 2.5 साल के अंदर ही किसी कारण से उसको सेल कर दिया क्योंकि मुझे नई प्रॉपर्टी खरीदनी थी। तो जब मैंने उसे सेल किया तो मेरा रजिस्ट्री सेल का जो बना, सामने वाले ने पूरा लोन लेना था तो उसने पूरी हायर वैल्यू से रजिस्ट्री करवाई, उस केस में 16 लाख रुपीज की रजिस्ट्री हुई। तो 16 लाख रुपए की आपकी सेल कंसिडरेशन बन रही है वाइट में,
और 6 लाख रुपए का आपका परचेज कंसिडरेशन था 2.5 साल पहले, आपको लॉन्ग टर्म में महंगाई दर का फायदा तो मिलने वाला है नहीं, शॉर्ट टर्म का मामला था ये, तो ऐसे केस में 16 माइनस 6 डायरेक्ट माइनस कर लीजिए आप, जो बचता है वो आपका कैपिटल गेन माना जाता है। तो 10 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया, और 10 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया जबकि मेरा उद्देश्य क्या था कि मैं वो फ्लैट सेल करके एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा था, तो उस केस में मैंने तो मेरे को तो वापस री इन्वेस्टमेंट करना था, तो जो मेरा पैसा आया सेल कंसिडरेशन वो तो मैंने वापस एक नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। तो सेक्शन 54 के अंतर्गत आप अगर कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते तो आपको कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के केस में, तो ऐसे केस में मैं मेरा पूरा 10 लाख रुपए बचा सकता था, 10 लाख के ऊपर टैक्स बचा सकता था, लेकिन नहीं बचा क्योंकि वो शॉर्ट टर्म का मामला था, आपको कोई एग्जेम्प्शंस नहीं मिलते। तो ये एक ड्रॉबैक रहता है शॉर्ट टर्म के अंदर कि एक तो महंगाई दर का आपको फायदा नहीं मिलता, उसके अलावा आपको यहाँ पर एग्जेम्प्शंस नहीं मिलते 54 के एंड सेक्शन 10 के। तो ऐसे केस में इस वजह से हम कैपिटल असेट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, होल्डिंग पीरियड के आधार पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और इन कैपिटल असेट्स में होल्डिंग पीरियड का क्राइटेरिया अलग है, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स के केस में, लिस्टेड शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स के केस में देयर इज 1 ईयर, अनलिस्टेड शेयर्स एंड इमोबल प्रॉपर्टी के केस में देयर इज 2 ईयर्स, एंड अदर एनी टाइप ऑफ कैपिटल असेट्स इन केस ऑफ लाइक ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, अदर एनी प्रीशियस ऑर्नामेंट्स, प्रीशियस मेटल्स, आर्ट वर्क, एनी टाइप ऑफ लाइक कोई स्कल्पचर्स, या कोई भी आपने कोई भी आपके पास प्रीशियस चीज है जिससे आपको जिसको सेल करने से ट्रांसफर करने से अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, तो इनकेस वो आपका कैपिटल गेन माना जाए, आपका ड्रॉइंग एंड पेंटिंग वर्क भी हो गया उसमें, है ना, तो कैपिटल गेन की कैलकुलेशंस में वो चीज आती है। तो यहाँ पर अपन आज इस चीज को देखने वाले हैं, हम लोग दोनों ही तरीके कैपिटल गेन को देखेंगे एक एग्जांपल लेकर, और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमने एक यहाँ अगली वाली स्लाइड्स में हमने ये भी देखा था कि शॉर्ट टर्म के अंदर जब आप कैलकुलेशंस करते हैं तो उस कैलकुलेशंस में आपकी सेल कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं, और उसके बाद आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस प्राप्त होता है, जबकि लॉन्ग टर्म के केस में आप अपनी सेल कंसिडरेशन में से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और ट्रांसफर एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, तो आपको एलटीसीजी का फायदा मिलता है, एज वेल एज जो एलटीसीजी आपको आता है अगर आप उसे री इन्वेस्ट करते हैं सेक्शन 54 के फायदे के अंतर्गत, तो आपको एलटीसीजी पूरा एग्जम्प्ट भी हो जाता है। सो उसके बाद हमने एक स्लाइड के अंदर पिछली क्लास में देखा था कि भारत सरकार, भारत ने सबसे पहले 1981 से इंडेक्सेशन की शुरुआत की, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है यहाँ पर, जो कि इन्होंने बदला है उसके बाद 2001-2 से अब आपको एक नई इंडेक्सेशन प्राइस लिया गया, जो पहले बेस ईयर माना जाता था वो 1981 बेस ईयर माना जाता था, और वहां की वैल्यू 100 रुपीज लिया था इन्होंने, ओके, मतलब रुपए को मापने का एक इंडेक्स सही है, ओके। तो 1981 में 100 रुपीज से स्टार्टिंग किया था इंडेक्सेशन, उसके बाद इन्होंने वापस बदला वर्ष 2001-2 से बदला इन्होंने, और वर्ष 2001-2 से इन्होंने 100 रुपीज लेते हुए वापस बेस प्राइस 100 रुपीज, बेस करेंसी आपका जो प्राइस है उसको 100 रुपीज लेते हुए उसको आगे मापते गए इंडेक्सेशन को हर साल की किस तरह से महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई की दर के आधार पर ये इंडेक्स प्राइस है, आप देख भी सकते हैं कि जो 2001-2 में 100 रुपए अगर कोई चीज के लगते थे तो वो आपको आज 1920 में 1920 में आपको उसके लिए 289 रुपीज खर्च करने पड़ते, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, है ना, 3 गुना आपको पैसा स्पेंड करना पड़ता है। तो हम लोग इस इंडेक्स इंडेक्सेशन चार्ट को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन लोग शुरुआत करते हैं, आज एक दो एग्जांपल लेते हैं और उसके आधार पर कि किस तरह से आप एलटीसीजी प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो लोग इनकम टैक्स पढ़े हैं या जिन लोगों को इनकम टैक्स का नॉलेज है वो लोग ये चीज कर सकते हैं, अदरवाइज हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो कैलकुलेट करें। आप एक एग्जांपल लेता हूं, उसमें मैं बता दूंगा 100 में से 95 लोग वहां पर आपको गलत आंसर देंगे, जबकि 5 लोग जिसने इनकम टैक्स को स्टडी किया है वो ही इसका सही आंसर दे पाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपन हमारी इस क्लास के अंदर, हम एक काम करते हैं, अभी मैं आपके सामने एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, मैं ये कैलकुलेशंस आपको एक्सेल में करके बताता हूँ। देखिए हाँ, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने ये एक तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाला चार्ट ले लिया है, और दूसरा मैंने यहाँ इंडेक्स प्राइस ले रखा है, इंडेक्सेशन ले रखा है, और यहाँ पर CII ले रखा है जो कि 2001 से लगाकर
1920 तक का है, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज थोड़ा सा मैं इसको आप सभी को यहाँ पर नजर आ ही रहा होगा, थोड़ा इसको जूम करता हूँ मैं, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का, यानी लाइक हम एक प्लॉट का एग्जांपल लेते हैं, सपोज इसकी एक्विजिशन प्राइस माना कि 10 लाख थी और ये आपने खरीदा था 2001 और 2002 में, ओके आपको ये ध्यान रखना है 2001-2 में ये आपने परचेज किया था। अब आपको ये चार्ट जो दे रखा है इसमें 1-2 की आपको इंडेक्स प्राइस भी देखनी है, तो 100 रुपए थी उस वक्त की इंडेक्स प्राइस। तो यहाँ अपन अगर अपन बात करें तो ये ईयर हो गया आपका और यहाँ अपन ले लेते हैं CII उस ईयर का, ओके। सो लेट्स सी कि ये 100 रुपीज उस वक्त का CII था, उस वक्त जब आपने 10 लाख रुपए लगाए, इन्वेस्टमेंट किया, एक्विजिशन प्राइस का मतलब था खरीदने का प्राइस। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने उस प्लॉट में कुछ बाउंड्री वगैरह बनवाई 2 साल बाद, तो उसे कहते हैं अपन इम्प्रूवमेंट। तो हमने वहां पर ये देखिए, ये एक्विजिशन कॉस्ट हो गई और ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हो गया, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इम्प्रूवमेंट आपने कोई बाउंड्री वगैरह बनवाई 2003-04 के अंदर, लगभग 2 लाख रुपए उसके ऊपर बाउंड्री वॉल और एक मेन गेट लगवाने का खर्च किया। सो ये मामला था 2003-04 का। तो 3-04 में आप देख सकते हैं जब आपने 2 लाख रुपए खर्च किए तब आपकी CII 109 रुपए थी यहाँ, तो 109 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जब हमने उस प्लॉट को उसके बाद सेल कर दिया, उस प्लॉट को हमने 22 लाख में सेल किया है वर्ष 2019-20 में, ठीक है। माना कि ये आपका करंट फाइनेंशियल ईयर कंसीडर कर लो इसको, क्योंकि अभी जो चल रहा है वैसे तो 2021 चल रहा है, लेकिन अभी CII इसका आया नहीं है, ये अगले साल आपको देखने को मिलेगा। तो जो आपका प्रीवियस ईयर है, जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर तो आपका 1920 है और इस साल जो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, जो कि डेट बढ़ा दी इन्होंने, तो उस केस में आपका जो ITR आप फाइल करेंगे वो 1920 के लिए फाइल करेंगे और दिस इज द असेसमेंट ईयर 2021। सो इन दिस ईयर CII इज 289 रुपीज, ओके। अब क्या हुआ कि आपने ये जो प्लॉट बेचा, आपको पैसे की जरूरत थी तो आपको प्लॉट बेचना था, तो आपने अपनी तरफ से ट्राई किया लेकिन आपको कोई कंज्यूमर अपने लेवल पर मिले नहीं, तो ऐसे केस में आपने क्या किया, किसी ब्रोकर को अपॉइंट किया बीच में। ब्रोकर ने यहाँ पर आपको बोला कि ठीक है मैं आपका प्लॉट बिकवा दूंगा लेकिन मेरे को उस केस में चाहिए होगा 5%। तो सी दिस इज द ब्रोकरेज ट्रांसफर एक्सपेंस, ओके। ब्रोकर ने यहाँ पर आपसे 5% ब्रोकरेज लेना है, आपको ब्रोकर से, ब्रोकर को आपसे लेना है। सो दिस इज द एग्जांपल वेयर वी हैव टू कैलकुलेट। देखिए सबसे पहले तो आपको कभी भी ध्यान रखना है, कोई भी एग्जांपल आप देखेंगे, कोई भी कैपिटल गेन का मैटर आपके पास आता है तो कैपिटल गेन के मैटर में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो असेट बेची गई है, पहली चीज हमेशा क्वेश्चन ये आना चाहिए कि क्या वो कैपिटल असेट है। तो प्लॉट कैपिटल असेट है, डेफिनेटली है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओके। दूसरी चीज देखिए, अगर आप एक प्रॉपर्टी डीलर होते तो ये प्लॉट खरीदना बेचना आपका बिजनेस होता, तो उस केस में ये कैपिटल असेट नहीं होती, वो आपका स्टॉक इन हैंड होता, स्टॉक होता, स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन अगर आपका ये बिजनेस नहीं है तो डेफिनेटली प्लॉट आपके लिए क्या है, कैपिटल असेट है, राइट। सेकेंड चीज हमें ये देखनी होती है कि हमने उसे कब खरीदा था और कब बेचा। तो जब हम ये देखेंगे कि हमने उसको 2001-2 में खरीदा और अब जाकर हम 1920 में बेच रहे हैं लगभग 19 साल बाद, तो ऐसे केस में 19 ईयर्स हो गए हैं, तो ये लॉन्ग टर्म का मामला है, शॉर्ट टर्म का मामला नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के मामले में हमेशा ध्यान रखना, पोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का ध्यान रखना होगा। अब आप
आप में से कई सारों के दिमाग में ये भी आएगा कि सर ये इंडेक्स कहाँ मिलेगा, देखिए गूगल और पर आपको सब चीजें मिल जाएगी, आप खाली गूगल पे टाइप करोगे CII तो आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो आप इस तरह से खरीदने का ईयर का CII ध्यान रखो, अगर कोई इम्प्रूवमेंट कराया उस प्रॉपर्टी में तो आप उसका CII ध्यान रखो उस ईयर का, और आपने सेल कब किया उस ईयर का CII ध्यान रखो, ठीक है। और ब्रोकरेज वगैरह ये आपने अगर कोई ट्रांसफर एक्सपेंस किए हैं तो उसका भी आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो अब देखिए लॉन्ग टर्म का मामला है, तो यहाँ पर हम लोग अब LTCG की कैलकुलेशन करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मामला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का है, राइट। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अपन को यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए इसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का क्या फंडा है, सेल कंसिडरेशन सबसे पहले लेना होता है, सेल कंसिडरेशन यानी सेल करने पर आपको कितना पैसा आया, like, आपको सेल कंसिडरेशन कितना हुआ, अब आपको ये यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि सेल कंसिडरेशन आपको हुआ 22 लाख, राइट। तो ये हम 22 लाख रुपए यहां लिख देते हैं। सेल कंसिडरेशन में से हमेशा लेस किया जाता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी खरीदने की जो प्राइस है उसको आपको इंडेक्स करना है। अब खरीदने की प्राइस को आप कैसे इंडेक्स करेंगे ये भी आपको ध्यान में रखने का है कि खरीदने की प्राइस को आप इंडेक्स कैसे करेंगे। इस 22 लाख को मैं इधर ले चलता हूं। देखिए आपको यहां कैलकुलेशन करके बताता हूं, जैसे आपने ये खरीदा कितने में था, 10 लाख में, ठीक है। तो यहां 10 लाख माइनस नहीं करना है, अगर शॉर्ट टर्म का मामला होता तो आप 10 लाख माइनस करते, और ये मामला आपका लॉन्ग टर्म का है, तो ऐसे केस में आप यहां 10 लाख माइनस नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे उसे कन्वर्ट करेंगे आज की वैल्यू में 10 लाख को। तो ये जो 10 लाख मल्टीप्लाई बाई द करंट ईयर CII, करंट ईयर CII कितना है 289, जिस ईयर में आप बेच रहे हो उसको, ठीक है, डिवाइड बाई द बेस ईयर CII, जिस साल आपने उसको खरीदा था उस साल का CII 100। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि वॉट एवर यूर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वॉट एवर यूर परचेज प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कैपिटल एसेट, उसे आपको मल्टीप्लाई करना होगा करंट ईयर की CII से, और डिवाइड करना होगा बेस ईयर की CII से, जो एक्विजिशन ईयर है उसकी CII से। तो ऐसे केस में आपका जो आंसर आएगा, देखिए ये आंसर कितना आया, 28,90,000 रुपए आया, राइट। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूलाज में जाके शो फॉर्मूला कर देता हूँ, ये शो फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर, 10 लाख इंटू 289 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 289 आया। अब आप सबको पता चल गया होगा ये 289 कैसे आया, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 28,90,000, मतलब 28,90,000 आया, 289 नहीं 28,90,000। तो ये माइनस में लिख देता हूँ 28,90,000, क्योंकि इसे हमें सेल कंसिडरेशन में से माइनस करना है, ओके। और यहाँ मैं डायरेक्ट आपको यहाँ मैं साइड में डायरेक्ट जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको समझने के हिसाब से लिख रहा हूँ कि 10 लाख को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 289 और डिवाइड बाई 100 किया, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे आप इंडेक्सेशन में बदलेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को। अब आप साथ साथ में लेस करेंगे, अगर आपने कोई इम्प्रूवमेंट किया है उसको भी आपको इंडेक्स प्राइस में बदलना है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ओके। अब देखिए हमने उस प्लॉट पर 2 लाख रुपए और एक्स्ट्रा खर्च किए थे, तो हमें पता है कि हमने इक्वल टू 2 लाख रुपए खर्च किए, तो वो कब किए, अब देखिए करंट ईयर में आप उसको करंट ईयर CII मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई जिस साल किए 109। अब देख सकते हैं इंप्रूवमेंट आपका जो CII है इम्प्रूवमेंट ईयर का 109 है, तो वहां पर पहले 100 इसलिए लिया क्योंकि 100 था उस वक्त CII जब खरीदा था, यहाँ 109 इसलिए लिया क्योंकि जब इम्प्रूवमेंट किया तब उसका CII 109 था। तो ऐसे केस में वो 2 लाख जो आपने 2003-04 में खर्च किए उसका करंट ईयर में 1920 में उसकी अगर हम वैल्यू देखें तो वो 5,30,275 रुपए के बराबर है, तो ये हम यहाँ माइनस करेंगे 5,30,275। ये जो बेनिफिट मिल रहा है आपको यहाँ पर, इसी बेनिफिट को हम लोग
इन्फ्लेशन इंडेक्स की सहायता से कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा, आपको शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म में तो है जैसे कि जैसे प्राइस आपकी माइनस हो जाएगी। ओके, तो ये आपका 5,30,000 माइनस कर दिया आपने, और उसके बाद आप लेस करेंगे अगर कोई ट्रांसफर एक्सपेंस आपने किए। ट्रांसफर एक्सपेंस मतलब कोई आप ब्रोकरेज दे रहे हो या कोई आपको आपको प्रॉपर्टी बेचने में कोई खर्चा हुआ, तो आप ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करेंगे। और ये देखिए 5%, अब देखिए ब्रोकरेज आपको देनी पड़ी 5%। 5% कौन सी वैल्यू का दिया होगा आपने? 22 लाख का, क्योंकि सेल 22 लाख में किया, तो 22 लाख का 5% कितना हुआ? आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपका 22 लाख मल्टीप्लाई बाई 5%, तो आप देख सकते हैं ये आपका 1,10,000 रुपये आपको यहाँ पर ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करने हैं। सर एक सवाल हम हमारा आपसे है, मैंने बोला पूछिए, बोले कि आपने सर यहाँ पर इंडेक्सेशन को अप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो आपने ब्रोकरेज दी है इसी ईयर दी है, और इसी ईयर आप सेल कर रहे हो, मतलब अभी सेल कर रहे हो इसलिए तो ब्रोकरेज दे रहे हो, इसलिए यहाँ इंडेक्सेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, डायरेक्ट वही वैल्यू माइनस हो जाएगी। क्योंकि करंट ईयर में ही जब आपने 1,10,000 दिया और करंट ईयर का ही मामला है, तो आप वहां थोड़ी महंगाई दर को कैलकुलेट करने वाले। तो ऐसे केस में ये तीनों चीजें माइनस करने के बाद आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं कि सी आप यहाँ देख सकते हैं कि इस मामले में आपका जो फिगर आ रहा है यहाँ पर वो माइनस में आ रहा है, और आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 13,30,275 रुपए नेगेटिव फिगर आ रहा है। दिस इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। अगर आप किसी भी नॉन कॉमर्स वाले से या जिसने इनकम टैक्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है उससे अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे कि भैया देख तेरे को मैथिक आती है, मैथ्स आती है, वो बोलेगा डेफिनेटली आती है, पढ़ा है मैंने, चल मैं मेरा एक मेरा सॉल्यूशन दे दे। बोला क्या? बोल देख मैंने 22 लाख रुपए में एक प्लॉट बेचा। उसने बोला ओके, उसमें से मैंने वो प्लॉट मैंने 10 लाख में खरीदा था कुछ सालों पहले। वो बोले ठीक है, और 2 लाख रुपए उसके ऊपर मैंने बाउंड्री वॉल बनवाने पर खर्च किया। बोला ठीक है, तो मतलब 12 लाख टोटल आपको पड़ा था ना? तो आप बोलोगे यस। 22 में बेच रहे हो? हाँ जी। और मैंने 1,10,000 अभी किसी उसको भी दिए हैं ब्रोकर को। बोले ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर 12 और 1 10 कितना हुआ? 13 10 हो गया। ठीक है, 13 10 22 लाख में से आप 13 10 माइनस कर दो, तो ऐसे केस में आपका 8,90,000 रुपये बचता है। तो ऐसे केस में वो सामने वाला कोई भी व्यक्ति आपको ये आंसर देगा कि भैया आपको उस प्लॉट पर 8,90,000 का फायदा हुआ। दिखने में दिख रहा है फायदा यहाँ पर क्लियरली, लेकिन ये फायदा नहीं है क्योंकि आपने महंगाई दर को ध्यान में नहीं रखा। आप उस 10 लाख को जो आज से 20 साल पहले के 10 लाख थे उसको आज के 10 लाख मान रहे हो, तो टेक्निकली रॉन्ग है ये। आपको पहले तो उस 10 लाख को आज की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो आज की कितनी वैल्यू बन रही है? वो आज की लगभग 28,90,000 रुपये वैल्यू बन रही है। 28,90,000 रुपये आप इस 22 लाख में से माइनस करोगे तो आपको तो सीधा सीधा लॉस दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ट्रांसफर एक्सपेंस वगैरह वगैरह माइनस करोगे। सो इस पूरे मैटर में आप देख सकते हैं आपको 13,30,275 रुपए का लॉस है। दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपको देखिए अब क्या होगा, ये LTCL जो है ना वो आगे जाके आप LTCG अगर कुछ होता है भविष्य में, कोई आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्राप्त करते हैं तो उसके साथ आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और करंट ईयर में तो ये आप किसी अदर इनकम के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर ये कैरी फॉरवर्ड होता है तो आप LTCG के साथ इसे एडजस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये आपको 13,30,000 रुपये आप तब तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे जब तक LTCG के साथ इसे आप एडजस्ट नहीं करते, अगले 8 वर्षों तक ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कि जो दिख रहा है वो एक्चुअल में है नहीं है। यहाँ पर आपको कोई फायदा नहीं दिख रहा है, आपको अननेसेसरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार मेरे को तो यहाँ पर फालतू में टैक्स देना पड़ जाएगा, किस बात का टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ तो उल्टा आप यहाँ पर फायदे में जा रहे हो, आप अपनी 13,30,000 की अदर इनकम को माइनस करवा सकते हैं इससे। सपोज आप कोई सैलरीड एम्प्लॉयज हैं या आप किसी आप बिजनेसेस वगैरह रन करते हैं, तो आप उस केस में आपकी अदर इनकम के साथ इस लॉस को एडजस्ट करवा सकते हैं करंट ईयर के। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल गेन LTCG, एंड आपको यहाँ पर इस एग्जाम्पल में साफ तौर पे मैंने कैलकुलेट करके बताया कि किस तरह से हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स चार्ट की मदद से हमारा कैपिटल जो गेन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और किस तरह से हमें यहाँ कैलकुलेशंस करनी है, और किस तरह से हमें यहाँ पर CII को यूज करना है
हमेशा ध्यान रखना जो भी एक्विजिशन या इम्प्रूवमेंट कॉस्ट हो उसको मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर के सीआईआई से, जो साल में आप सेल कर रहे हो वो प्रॉपर्टी को, और उसे डिवाइड करना है बेस ईयर यानी वो जो एक्चुअल ईयर है उसके साथ आपको डिवाइड करना है, तो आपको करंट ईयर की वो प्राइस कन्वर्टेड प्राइस आ जाएगी, इंडेक्स प्राइस आ जाएगी, और उसे आपको माइनस करना है सेल कंसिडरेशन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछने जा रहा हूँ, आप में से अगर किसी को भी कुछ भी पूछना है तो मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी की क्लास आप सभी ने देखी, मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है, आपको कुछ पूछना है कैपिटल गेन की कैलकुलेशन से रिलेटेड? सर वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट था ना, उसमें डिवाइड बाय 109 होगा ना, क्योंकि वो 100 लिया थी सर, 3-4 में किया गया, तो 3-4 की सीआईआई आपको लेनी पड़ेगी। हाँ, नहीं आपने उसमें 100 लिया था इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने 100 नहीं लिया शायद, एक मिनट, आप देखिए ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर, अच्छा यहाँ 100 लिखा है लेकिन 100 लिया नहीं है, मैंने फॉर्मूला जो कैलकुलेट किया है ना, ओके आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, 200,000 इंटू 289 और डिवाइड बाई 109, तो ये आप देख सकते हैं 5,30,275 आ रहे हैं ना, यही फिगर मैंने यहाँ लिया है। हाँ okay, यहाँ मैंने थोड़ा टेक्निकली रॉन्ग लिख दिया था, तो ये 289 और डिवाइड बाय 109 लेना है। और कुछ बस ठीक है सर, अब उसका वो रिटर्न में फिर उससे अब जो लॉस है तो लॉस अपन शो करेंगे ना, अगर अपना आईटीआर भर रहे हैं अपन। हाँ आईटीआर भर रहे हैं तो ये लॉस है, लेकिन देखो करंट ईयर में अगर कोई लॉन्ग टर्म कोई लॉस होता ना, मैं आपको आने वाली क्लास में ये भी बताऊंगा कि जैसे हम आगे एक टॉपिक पढ़ने वाले सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से लॉसेस आप कौन कौन से इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। करंट ईयर में ऑलमोस्ट आप सेट ऑफ कर सकते हैं दूसरी इनकम के साथ भी, और अगर करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं होता है तो फिर अपकमिंग ईयर में ये LTCG के साथ ही सेट ऑफ होता है, तो उस केस में ये लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करना है टिल जब तक आप इसको सेट ऑफ नहीं कर देते हैं LTCG के साथ, और 8 साल में अगर ये सेट ऑफ नहीं हो पाता तो फिर इसे आपको खत्म करना पड़ता है, मतलब इसको आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। एनी अदर क्वेश्चंस? देखिए कल मैं ये एक और एग्जांपल लूंगा कल की क्लास के अंदर, तो कल मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा एग्जांपल, शेयर्स का एग्जांपल बताऊंगा, इंडियन कंपनी के शेयर्स का एग्जांपल बताऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा जैसे शेयर मार्केट का भी थोड़ा मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा उस क्लास में, और कैलकुलेट करके बताऊंगा किस तरह से आपको शेयर्स को खरीदने बेचने पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं, तो इसी टॉपिक को हम कल कंटिन्यू रखेंगे। आपको कोई डाउट है अगर इससे रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोफेशनल्स को काफी ज्यादा पेमेंट इसके आईटीआर बनने पर मिलता है, तो ऐसे केस में आप जो प्रोफेशनल्स हैं जो भी इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं वो बहुत समझदारी से इसको ध्यान से सीखें और देखें, और ताकि आप आराम से किसी का भी कैपिटल गेन का आईटीआर फाइल कर सकें। और एक और एग्जांपल हम लेंगे उसके बाद इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, बड़ा टॉपिक है एक्चुअली में कैपिटल गेन, इसमें आगे जाके हमें एग्जेम्पशंस पढ़ने हैं अभी, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, टू बी कंटिन्यू टुमारो, थैंक यू सो मच।